हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं, उसमें जब अर्धचालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता को निकाले थे जिसमें मोबिलिटी यानी गतिशीलता के बारे में पढ़ा गया था वहाँ पर। अब हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं। तो परिभाषा जो होती है वो ये होती है रो बराबर ई बटे जे, तो इसी से परिभाषा बन जाती है। ई बटे जे से ई माने वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता, जे माने धारा घनत्व। तो विभवांतर लगाए जाने पर चालक के भीतर, ये चालक है इसमें विभवांतर लगाया तो इसके भीतर वैद्युतक्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धन से ऋण सिरे की ओर, और धारा बहती है तो धारा घनत्व भी बन जाता है जे बराबर आई बटे, तो उसी दोनों का अनुपात बोला जाता। किसी बिंदु पर वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता ई वा धारा घनत्व जे के अनुपात को उस चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं, तो रो ये बन जाता है। रो को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं प्रतिरोधकता भी कहते हैं। और यह पदार्थ का अवलक्षणिक गुण है, यानी किसी पदार्थ का ये एक विशेष गुण होता है जो पदार्थ बदलने पर ही बदलता है, यानी एक पदार्थ के लिए सेम रहता है। तार चाहे जैसा हो, मोटा पतला टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा हो, रो जो है सभी तारों के लिए सेम रहेगा अगर पदार्थ सेम है। तो पदार्थ का ये अवलक्षणिक गुण है। तो रो बराबर फार्मूला बन जाता है ई बटे जे, जहां ई किसी बिंदु पर वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता है और जे धारा घनत्व है। अब यहां पर ये देखिए, इसमें दोनों ई वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, जे धारा घनत्व भी सदिश राशि, दोनों की दिशा वैद्युतक्षेत्र एक ही तरफ को होगी धन से ऋण सिरे की ओर इधर की ओर, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में नीचे लिखे होंगे। तो यदि चालक का अनुप्रस्थ, अब आगे इसको बढ़ते हैं, इसको बढ़ाते हैं सूत्र को। तो यदि चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद ए हो और लंबाई एल हो, ये क्षेत्रफल ए और लंबाई एल, तो ई बराबर होता है वी बटे एल, याद होगा, तो ई बराबर वी बटे एल। और अगर इसमें धारा आई हो तो आई जे बराबर हो जाएगा आई बटे, ये दोनों मान यहां रख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के पास रो बराबर आ जाएगा वी अपॉन एल और आई अपान ए, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे वी अपान आई इंटू ए अपान एल, अलग लिख लेंगे। और वी अपान आई को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं कि वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है चालक तार का, तो इसको आर से लिखते हैं, तो ये आर लिख दिया जाएगा। तो यहां पर रो बराबर आर इंटू ए बाई एल, ये फार्मूला आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का, ये तो याद रखना है। अब इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, यदि ए बराबर एक मीटर स्क्वायर ले लें, एल बराबर एक मीटर ले लें, तो जब एक मीटर एक एक रखेंगे तो यहाँ रो बराबर आर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार की लंबाई एक मीटर हो तो उसका जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वही उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का तरीका हो गया निकालने का, परिभाषित करने का। एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो, एक मीटर लंबा हो तार, तो उसका जो वैद्युत प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बराबर होगा, ये होता है परिभाषा। अब यहाँ और आगे बढ़ लेते हैं, इसको और आगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिए गए पदार्थ के लिए रो नियतांक हो गया, क्योंकि पदार्थ बदलने पर ही बदलता है वरना एक ही पदार्थ के लिए, तो R प्रोपोर्शनल L अपान A, क्योंकि रो बराबर R इंटू A अपान L है, तो R बराबर रो बराबर, तो R बराबर निकला अगर रो इंटू L अपान A, रो कांस्टेंट हो गया तो R प्रोपोर्शनल टू L अपान A, यानी इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि तार का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के अनुपात क्षेत्रफल के अर्थात मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी याद रखना है, किसी भी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ये संबंध होता है उसका लंबाई और क्षेत्रफल से। अब यहाँ पर रो का मात्रक देखते हैं, तो रो का मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर, क्योंकि फार्मूला है आर इंटू ए बटे एल, आर का होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर, एल का मीटर, एक मीटर कट गया तो ओम मीटर होता है, इस तरह से ओम इंटू मीटर इस तरह संकेत में लिखते हैं। रो की बीमा हो जाएगी आर की बीमा इंटू ये आर यानी ओम जिसका मात्रक था, आर की बीमा इंटू इस लंबाई की बीमा, तो लंबाई की बीमा हमने एल पहले ही लिख दी है, तो ये आर की बीमा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एल और हो जाएगा तो तीन हो जाएंगे एल के। तो रो की बीमा होती है एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अब ओम के नियम की उत्पत्ति में हम लोगों ने देखा कि वी बटे आई बराबर आर जो होता है वो एल एम बटे एनी स्क्वायर ए टाऊ के बराबर होता है, जो आर हम लोगों ने पढ़ा था वी बटे आई। तो यहां पर हम लोग अगर हम इस R की जगह वैल्यू देखें जो R इंटू ए बाई एल है, तो
यहाँ पर रो जो आ जाएगा वो आर का, अगर ये वाला मान रखें तो एल और ए दोनों कट जाएंगे, तो रो केवल बचेगा एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, तो ये याद रखना है। तो किसी तार के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो रो बराबर एम बटे यानी स्क्वायर टाउ होता है। इसको कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र धातु के प्राचल के पदों में, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, उस धातु के पैरामीटर्स, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ को पैरामीटर्स कहा जाता है प्राचल। तो धातु के प्राचल के पदों में जब विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र पूछा जाए तो ये लिखोगे इस तरह से। अब यहां पर देखिए यन जो है, यन दिए गए पदार्थ के लिए नियत होता है, क्योंकि एन जो है इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, जो सीधे सीधे पदार्थ के घनत्व से रिलेशन रखेगा। पदार्थ का घनत्व तभी बदलता है जब पदार्थ बदलता है, तो रो जो है किसी पदार्थ के लिए नियत होता है। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के बारे में जानकारी।